अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल पर। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में किसी फनकार की हयाती में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तमगा इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ मिल जाना बहुत बड़ी बात है। ऐसी ही एक तकरीब मनक़द की गई गवर्नमेंट हाउस लाहौर में, जहाँ पर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक कुछ फनकारों को उनकी कारकर्दगियों को मद्देनज़र रखते हुए अवार्ड से नवाजा गया। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने अवार्ड्स दिए, जिनमें साइमा नूर साहिबा को तमगा इम्तियाज़ दिया गया। इस तकरीब में जब उनको ये अवार्ड दिया गया तो वीडियोस भी बनी, फ़ोटोज़ भी बनी। शाहिद साहब को तमगा हुसन कारकर्दगी दिया गया और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड फनकारा नीलो बेगम को सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। ये जो अवार्ड था वो वसूल किया शान शाहिद साहब ने। जब नीलो साहिबा का इंतकाल हुआ था तब इस चीज़ का कहा गया था कि उनको सितारा इम्तियाज़ से ज़रूर नवाजा जाएगा और उस बात को पूरा किया गया। शान साहब को उनकी वालदा का अवार्ड दिया गया, जिस पर वो बेहद खुश थे। अवार्ड रिसीव करने के बाद तमाम तर फनकारों ने एक दूसरे के साथ तस्वीरें खिंचवाई, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। शान साहब अपनी वालदा के हवाले से बहुत खुश थे। वहीं साइमा नूर साहिबा के जो परिस्तार थे, उन्होंने मुख्तलिफ़ वेबसाइट और सोशल अकाउंट्स पर उनकी फ़ोटोज़ को शेयर करके उनको मुबारकबाद पेश की। मैं भी अपने चैनल से तमाम तर लोगों को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं जिनको इन अवार्ड से नवाजा गया। और भी बहुत सारे हमारे सीनियर फनकार हैं जो डिज़र्व करते हैं। मैं हुकूमत से ये भी अपील करूंगा कि उनकी तरफ भी नज़र दोहराई जाए। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस एवरीवन, थैंक यू सो मच।